मैं हूँ आशुकिन कुरेशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब नगर पंचायत उस्मापुर बाकीपुर की। हाई कोर्ट के निर्देश पर उस्मापुर बाकीपुर ग्राम पंचायत की पुनः मतगणना आज नौगावा सादात तहसील में कराई गई, लेकिन मतगणना के दौरान वोटों का एक बंडल गोलक से गायब होने के कारण पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और मतगणना को बीच में ही रोकना पड़ा। ऐसे में किसी प्रकार का कोई नतीजा घोषित नहीं हो सका। वोटों का बंडल गायब होने के सवाल पर एसडीएम नौगावा सादात सुधीर कुमार वोटों का बंडल कहीं और बन जाने की दुहाई देते नजर आए। वहीं प्रधानपति ने प्रशासन पर मतगणना में धांधली करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि पंचायत चुनाव की मतगणना में उनके मात्र 5 वोट कैंसिल थे, अधिकारियों और कर्मियों ने धांधली कर उनके 26 वोटों को कैंसिल कर दिया और उनके जीते हुए प्रधान को हराने की कोशिश की जा रही है। अब पुनः मतगणना 23 जनवरी को निर्धारित की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशिकीन कुरैशी की रिपोर्ट। तो बता, आज ये रिकाउंटिंग हुई है उस्मापुर बाकीपुर की नगर पंचायत, क्या है पूरा और क्या इसमें हुआ है? 2021 में जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद इलेक्शन पिटिशन कोर्ट में डाली गई थी जी। कोर्ट में जब इलेक्शन पिटिशन डाली गई तो उसका निर्णय हुआ, उसके बाद में ये सिविल कोर्ट में गया, सिविल कोर्ट के बाद में ये हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में गया, तो वहाँ से डायरेक्शन थे रिकाउंटिंग कराई जा सकती है, बाकी स्टेज वगैरह जो चाहिए थे वो नहीं मिल पाए, तो रिकाउंटिंग पर कोई स्टेज वगैरह नहीं रहा। जिसमें सरकार की तरफ हमें काउंटर लगाना है, इसमें तो आज सभी पक्षों को सुनकर 9 तारीख के काउंटिंग के लिए डेट रिकाउंटिंग की डेट लगाई गई थी। वो प्रोसेस अभी अपूर्ण है क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल कमियां रही हैं, तो अभी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को पंचस्थानी को निर्देशित किया गया है कि सदस्य अभिलेख वो निर्धारित समय पर पूरा करके हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, फिर उसके बाद में निर्णय। तो कुछ वोट गायब होने की सूचना मिल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा है कि 2021 में हुआ क्या था कि जिला पंचायत बीडीसी मेंबर सदस्य और प्रधान के इलेक्शन सब इस तरह से एक साथ रहे हैं, तो हो सकता है किसी दूसरे बंडल में बन गए हो, वो दिखवा लिया जाएगा और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानी को इसके बारे में निर्देशित भी कर दिया गया। क्या वजह रही कि आज काउंटिंग पूरी नहीं हो पाई? देखो, जो इसी जो टेक्निकल चीज थी उसकी वजह से दिक्कत आई, कुछ वो बंडल दूसरी जगह बन गया है। अब क्या निर्णय लिया गया आपके द्वारा? अभी अपने डेट लगाई है आगे, इसमें फिर निर्णय लिया जाएगा। क्या डेट निर्धारित है सर? अभी तो कोर्ट का आदेश पढ़ देख लीजिएगा, पता लग जाएगा आपको, और बाकी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है मामला, तो उसकी भी गरिमा को ध्यान रखते हुए। जी बताएं, आप प्रधानपति हैं, आपके यहाँ दोबारा रिकाउंटिंग हो रही थी, क्या हुआ इस पूरे मामले में? इस मामले में ये हुआ कि हमारी जब मतगणना स्थल अमरोहा में हुई थी, जब हमारी काउंटिंग हुई थी अमरोहा में, तो मतगणना स्थल पर काउंटिंग हुई थी तो वहाँ हम जो थे 22 वोटों से जीते थे, और फिर उसके बाद दोबारा काउंटिंग हुई, दोबारा काउंटिंग होने के बाद जो है फिर भी हम 22 से जीते, लेकिन इसमें बीच में क्या हुआ, अब ये जो रिकाउंटिंग हुई है नौगावा सादात में, तो इससे मुझे ये पता चला कि हमारी गड्डी में 25 वोट जो हमारे अनाज बरसाता हुआ किसान था उस पर डबल मोहर लगा दी गई, और ये जो है हमें एक वोट से हराना चाहते थे। मैंने ये एजेंट साहब से भी कहा कि सर मेरे साथ ये जब दोबारा मतगणना हुई और सीनियर वाइस हिसाब 24 वोट एक साथ ही लगे हुए मिले डबल मोहर के, यानी तो मुझे ये ऐसा लगा कि मेरे साथ ये बेईमानी हो रही है, तो मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि साहब मेरे साथ परेशानी कोई बेईमानी ना होवे, और साथ उसके ईमानदारी से मेरा काम होना चाहिए। आगे क्या करेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? मैं पूरे मामले को लेकर, मेरे साथ बेईमानी हुई है, हरदर्मी हुई है, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैं इलाहाबाद जाऊंगा, हाईकोर्ट तक पहुंचूंगा मैं, यानी मैं अपने कार्यकाल में मैंने अभी तक कोई गलत काम नहीं करा है। ये जो लोग हैं इनके खिलाफ मैंने 7 मुकदमे लिखवाए हैं, इन्होंने CJM कोर्ट में मुझे मारा, और सबसे बड़ी बात तो इन्होंने ये करी मेरे साथ कि हमारे माननीय हबीब हैदर साहब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आए थे हमारे गाँव में, और साहब और भी पदाधिकारी थे जिले के भारतीय जनता पार्टी के आए थे, तो जो मैंने उस सिलसिले में बैनर लगवाए थे, हुडिंग लगवाई थी उनके सम्मान के लिए, तो इन्होंने रात में किसी टाइम भी मेरी वो हुडिंग में कहानी पीली कर दी, और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की आंखों को उन्होंने स्याही से फोड़ दिया,
जिसकी मैंने रिपोर्ट थाना नौगांव सादात में लिखाई थी, समझे, उस पर मेरी कोई कानूनी कार्रवाई रिपोर्ट पर लिखी गई लेकिन मेरी कोई पकड़ धकड़ नहीं करी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरे देश प्रदेश को चला रहे हैं, जो देख रहे हैं पूरे देश प्रदेश को देख रहे हैं, उनकी इज्जत को धूमिल करा है इन लोगों ने, मैं उसके बारे में भी उनसे कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ। वोट जो आपके गायब हुए हैं, आपको किस पर संदेह है, किस पर शक है? मेरा तो देखो साहब, इनकी सेटिंग जो हुई है वो वही हुई है, यहाँ कोई सेटिंग नहीं हुई, जो चुनाव कार्यालय में हुई होगी वहीं से इनकी सेटिंग बनकर चली है। मेरा कहने का मतलब यह है कि 50 वोटों की गड्डी थी तो कई कई वोट निकलते लेकिन सीनियर वाइज एक भेड़े से निकले। जब एक से गिनती शुरू 25 वोटों तक मेरी गिनती डबल मोहर से लगी मेरी, ताकि डबल गिनती मेरी वहां हुई थी मतदान स्थल पे, समझे, तो कोई इस तरीके की दूसरा पक्ष भी देख लिया था खड़ा हुआ, वो गिनती करा दिया था, उसे जब नहीं दिखाई दिया तो 25 वोट में कैंसिल क्यों नहीं हुआ 50 की गड्डी में, है ना। इन्होंने मेरे साथ साथ गाठ करके और ये मेरे साथ वो करी है धांधलीबाजी कर रहा है, और आज भी मेरे पास धांधलीबाजी करता है, मैं इनसे बहुत भयभीत हूँ, आज भी मेरे रास्ते घेरते हैं, इधर से मेरा निकलना भारी कर रखा, मैं बहुत परेशान हूँ। लिहाजा मैं शासन प्रशासन से चाहता हूँ कि इनकी जाँच करी जाए।